हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और बार नए वीडियो में और नए टॉपिक में मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम अपने मोबाइल के जितने भी गैलरीज के अंदर फोटो होते हैं वो अगर हम ऑनलाइन बैकअप लेना चाहें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम फोटोज, हमारे जो मेमोरीज होती है, फोटो वीडियोज होते हैं, जो भी हम सेल्फी या जो भी हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, वो जो है वो मोबाइल के अंदर से डिलीट हो जाते हैं या गलती से डिलीट हो जाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाती है। और हमारे मोबाइल की जो मेमोरी है वो भी एक लिमिट होती है उसकी, तो वो भी स्टोरेज भी हमारा जो है वो फुल हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम एक ऑनलाइन बैकअप ले लें, जितने भी फोटो वीडियोस हैं उसका हम ऑनलाइन बैकअप अगर ले लेंगे और वो ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीका है, आप इजिली फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं भी अपने मोबाइल के अंदर ये पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो यहाँ आप देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको टाइप करना है फोटोस, सर्च करना है। ये सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं गूगल फोटोस ऐप आ चुकी है। ये गूगल फोटोस के यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अपडेट बटन दिखा रहा है आपको, कि यहाँ पर मेरे इसमें तो अनइंस्टॉल और ओपन आ रहा है, इसका मतलब मेरी ऐप जो है वो अपडेटेड है। अगर आप यहाँ पर अपडेट बटन देखते हैं ओपन की जगह, तो आप उसको अपडेट कर लें पहले, तो आप उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, फिर मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। तो देखिए, गूगल फोटोज़ जो है वो एक एप्लीकेशन है जो गूगल के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप ऑफलाइन फोटोज़ भी देख सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं, एक तरीके से गैलरी का ही काम करती है। लेकिन इसमें और भी कई फीचर होते हैं, जैसे कि इसका एक गूगल का क्लाउड है, उस पर आप अपना पूरा बैकअप ले सकते हैं, जितने भी फोटोज़ वीडियोस और सारी चीज़ों का। तो कैसे लेना है वो इसके अंदर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। कि यहाँ पर आप सबसे टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिख जाएगी, जो भी ईमेल आईडी आपने अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन किया हुआ है वो प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक कर दें। उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी ईमेल आईडी और प्रोफाइल पिक्चर और नाम दिख जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकअप इज़ ऑफ, क्लाउड का सिंबल बना हुआ है, वहाँ पर क्रॉस बना एक लाइन बनी हुई है, मतलब बैकअप ऑफ है, मतलब अभी जो है कुछ भी बैकअप नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कीप योर फोटोज सेफ बाय बैकिंग देम अप टू योर गूगल अकाउंट। तो हम अपने गूगल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे गैलरी के अंदर फोटो है मोबाइल की, हम बैकअप ले सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर आपको नीचे बटन दिया हुआ है टर्न ऑन बैकअप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये टर्न ऑन बैकअप कर दिया है हमने, और फिर वापस से टर्न ऑन बैकअप पे क्लिक करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या बता पूछ रहा है, बैकअप की सेटिंग्स के बारे में, आपको क्वालिटी कैसी रखनी है, ओरिजिनल क्वालिटी रखना है, या फिर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं, हाई क्वालिटी रखना है, एक्सप्रेस रखना है, जिसमें आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। देखिए, ओरिजिनल क्वालिटी में 10 MB पर सेलेक्टेड है, हाई क्वालिटी में भी उतना ही है, लेकिन एक्सप्रेस में चेंज हो गया है 5 MB। मतलब जो भी आपकी क्वालिटी होगी, जैसे 10 MB का पिक होगा आपका, फोटो होगा या वीडियो होगा, उसको हाफ कर देगा ये। नहीं, यहाँ पर आपको ओरिजिनल क्वालिटी ही रखना है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ओरिजिनल क्वालिटी ही रखें, उसको कन्फर्म कर दें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकिंग अप 60 आइटम्स लेफ्ट, मतलब अभी रिसेंटली में जो भी 60 फोटोज़ या वीडियोज़ जो बैकअप नहीं हुए थे वो ऑटोमेटिकली जो है वो बैकअप पे जाने लग गए। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अकाउंट स्टोरेज बता रहा है। इसके अंदर क्या होता है, गूगल के अंदर आपको गूगल की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो जीमेल हो या गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, गूगल कैलेंडर, उन सबको मिलाकर आपको 15 GB का जो डेटा दिया जाता है फ्री में। इसमें से यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 9.4 GB जो है वो अभी तक यूज़ कर लिया है। तो 15 GB के बाद क्या करेंगे आप ये सोच रहे होंगे, उसके बाद आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अगर परचेज तो वैसे कोई करता नहीं है, तो दूसरा ईमेल आईडी आप बना सकते हैं गूगल आईडी, उसके अंदर आप जो है वो वापस से 15 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे आप मल्टीपल ईमेल आईडी बनाकर ये कर सकते हैं, और ऐसी और भी सर्विसेज होती हैं जिसके अंदर आपको और ज़्यादा GB एक बार में मिल जाता है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा हमारा बैकअप ऑन हो गया है, ये गैलरी में जो है वो ऑटोमेटिकली जो बैकअप नहीं लिया गया है जिन फोटो या वीडियो का, उनको ये बैकअप ले रहा है। देखिए, देख सकते हैं 60 में से अभी 8 आइटम जो है वो हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।